वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम जा रहे हैं कहीं निमंत्रण खाने, आज बर्थडे पार्टी में। तो सुबह के टाइम में तो हमारा निमंत्रण है और शाम को वहीं बर्थडे पार्टी है। तो हम सब रेडी हो गए। मैं अभी नहाई हूँ तो बाल भी गीले हैं और यहाँ पे ओम को भी मैंने रेडी कर दिया है, और यहाँ पे आर्या भी रेडी हो गई है। सो आर्या खेल रही है तो बस हम रेडी हो गए हैं। अतुल जी आ जाएं, उसके बाद हम सब मिलके जाएंगे। बर्थडे पार्टी आपको शाम को देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जा रहे हैं लंच के टाइम पे लंच करने। सो बने रहिए इस वीडियो में और आप भी वीडियो एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से जब घर से निकलेंगे। अभी तो वेट है, बच्चों को तैयार कर दिया, खुद भी तैयार हो गई, बस वेट है कि अतुल जी आ जाए, फिर हम साथ में निकलेंगे। इधर देखना आर्या, चलो चलो चलो। आर्या ने पर्स ले रखा है। सो हम निकल लिए और हम हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, पर क्या करें, जब अतुल जी ड्यूटी से आए उसके बाद वो रेडी हुए, फिर अब हम निकल रहे हैं। फिर मिलती हूँ वहीं पहुँच के, ठीक है। और ये देखिए यहाँ का बैकग्राउंड कितना सुंदर है ना। यहाँ बन रहा है खाना और मैं बहुत अच्छे टाइम पे आई हूँ कि सारा खाना कम्प्लीट खाने वाली हूँ। बहुत आइटम है। मैं तो यहाँ 10 बजे से आई। की हालत खराब। कोई बात नहीं, हम लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए कितनी हरी भरी सी थाली है पूरी। सो यहाँ पे लंच स्टार्ट हो गया है और मैं बताती हूँ को क्या क्या है इसमें। है पूरी, दो तरह की सब्जी, एक मिक्स वेज है, एक मटर पनीर है, जीरा राइस है, सैलेड है, खीर है, रायता है, अचार है, चटनी है, बहुत सारा आइटम है। फुल थाली भरी है। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा वेट की थी तो फिर सब कोई आ गए थे। तो ये देखिए हम चारों जन बैठ के खाना खा रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरा खाना हो गया था, बस खीर बची थी तो मैं खीर खा रही थी और सारे लोग हम लोग इकट्ठा बैठे हुए हैं। इकट्ठा बैठ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। और यहाँ हो गई है दोपहर। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बस ऐसे ही ओम को सुलाया, ओम सो गया था और आर्या खेलने पे बहुत सारा बिजी थी। ऐसे बैलून खेल रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, आर्या खेल रही है तो नहीं सुलाती हूँ उसे, वरना नाइट पे लेट सोती है, फिर नाइट में दिक्कत करती है। तो वो भी बहुत मज़े से खेल रही थी और उसी को देख रहे थे और हम दोनों, मतलब मैं और खुशबू दोनों, हम लोग गप्पे भी मार रहे थे और हम दोनों के बच्चे भी खेल रहे थे। और बस शाम की डेकोरेशन हो गई चालू, तो यहाँ पे हम सब मिलके बैलून फुला रहे थे कि खाली बैठ के क्या करेंगे। तो बस बैलून सारी डेकोरेशन आपको दिखाती आती। सारा कुछ बाहर लगा हो गया, अब बस केक कटने वाला है। बाहर सारी डेकोरेशन भी हो गई, चलिए आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन। सो ये बाहर वाला रूम था और यहाँ हुई है डेकोरेशन। काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, सारा कुछ काम हो गया डेकोरेशन का। अब बस वेट है सबके आने का और केक कट होने का, तो फिर पार्टी चालू होगी।
ये देखिए भैया ने काफी ऊपर ऊपर सा बैलून लगाया है, कितना अच्छा लगता है ना बैलून। और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स जिसे भी इनवाइट किया गया था वो सारे लोग आ चुके हैं, तो अब बस पार्टी शुरू होगी। यहाँ अंदर वाले रूम में सारी लेडीज थी और बाहर वाले रूम में सारे जेंट्स बैठे हुए थे, तो यहाँ सिर्फ हम लेडीज हैं, सारी हमारी फ्रेंड्स हैं और बाहर जेंट्स बैठे हुए हैं। तो चलिए पार्टी स्टार्ट होती है। ये देखिए हो गया, छीन लिया, चलो घर से हो जाओ।